स्टडिंग इशू को जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा टॉपिक जो है आज के थर्ड इशू के अंदर थ्रेड कैंसिलेशन है। तो हम देखेंगे कि कौन थ्रेड कैंसिलेशन से क्या मतलब है, और थ्रेड कैंसिलेशन में कौन कौन से इशू इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय थ्रेड कैंसिलेशन। तो थ्रेड कैंसिलेशन जो है इन्वॉल्व्स टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज़ कम्प्लीटेड। इसका मतलब है कि अगर एक थ्रेड जो है उसको कैंसिल कर दिया जाए इससे पहले कि वो अपनी एग्जीक्यूशन या अपने जॉब या टास्क को कंप्लीट करे, उसको हम कहेंगे कि ये थ्रेड कैंसिलेशन है। तो हम क्या कहेंगे इसे, ये थर्ड कैंसिलेशन है। इसका मतलब है कि थ्रेड जो है उसने अपना टास्क या जॉब जो है वो कंप्लीट नहीं किया और उसको जो है टर्मिनेट कर दिया गया। इसकी एग्जांपल्स जो है उससे हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं जिससे हम देख जिसमें हम देखेंगे कि थ्रेड कैंसिलेशन कैसे होती है और उसमें हमें कौन कौन से इशू जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं थ्रेड कैंसिलेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एक एग्जांपल है उसको देखेंगे। इफ़ मल्टीपल थ्रेड्स आर कंकरेंटली सर्चिंग थ्रू अ डेटाबेस एंड वन थ्रेड रिटर्न द रिजल्ट, द रिमेनिंग थ्रेड्स माइट बी कैंसल्ड। जैसे कि हमारे पास एक डेटाबेस है और हम उस डेटाबेस में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है या कोई जो है रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सर्चिंग एल्गोरिदम के मुताबिक उसमें जो है मैनी थ्रेड जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे जो उस पर्टिकुलर वैल्यू को डेटाबेस में से सर्च कर रहे होंगे। अगर उन मल्टीपल थ्रेड में से किसी एक थ्रेड ने वो वैल्यू जो है डेटाबेस में से फाइंड आउट करके हमें रिटर्न कर देता है, तो इसका मतलब है कि हमें जो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमने डेटाबेस से जो है वो हासिल कर लिया। तो उसके बाद जो रिमेनिंग थ्रेड्स जो हैं वो जो है शुड बी ए कैंसल, उनको कैंसल हो जाना चाहिए बिकॉज क्योंकि अब हमें उस वैल्यू को सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर लिया है। सो ये एक सिनेरियो जिसके अंदर हम देखते हैं कि थ्रेड कैंसिलेशन जो है वो होती हुई, जिसमें कि एक पर्टिकुलर थ्रेड ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली और बाकी थ्रेड्स जो हैं वो अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे। एक और सिचुएशन भी जो है वो हमारी लिव रियल लाइफ सिनेरियो में है। अनदर सिचुएशन माइट अकर व्हेन अ यूज़र प्रेस अ बटन ऑन ए वेब ब्राउजर दैट स्टॉप अ वेब पेज फ्रॉम लोडिंग एनी फर्दर। व्हेन अ यूज़र प्रेस द स्टॉप बटन ऑन द ब्राउजर ऑल द थ्रेड लोडिंग द पेजेस आर कैंसल्ड। ये हमारी डे टू डे लाइफ की एग्जांपल है और हम देख चुके हैं कि जब हम वेब ब्राउज़र पे इंटरनेट के ऊपर जो है वो सर्फिंग कर रहे होते हैं, वेब इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो इधर ब्राउज़र के अंदर आपको एक कैंसिल का बटन भी जो है वो विजिबल होगा। तो जब वेब पेजेस लोड हो रहे होते हैं और आप लोड होते हुए आप प्रेस कर देते हैं कैंसिल के बटन को, तो ऑल थ्रेड्स जो के इन्वॉल्व होते हैं जो वेब पेज के डिफरेंट एलिमेंट्स को लोड कर रहे होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं वेब ब्राउज़र के अंदर, लाइक एक वेब पेज के इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, साउंड हैं, तो वो तमाम के तमाम कैंसिल हो जाएंगे। ऑल दोज थ्रेड टर्मिनेटेड बिफोर वो दे कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, क्योंकि आपने कैंसिल का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। सम मे बी कंप्लीटेड, और हो सकता है उसमें से कुछ जो है उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, कुछ चीज़ें आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर विजिबल हो, और लेकिन स्टिल कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोसेसिंग में हो, अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो, और वो डिपेंड करता है कि आपने प्रेस कब किया है कैंसिल का बटन। सो इसमें मैनी थ्रेड्स मे बी कैंसल बिफोर कंप्लीटिंग देयर एग्जीक्यूशन। तो ये एक और एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि थ्रेड कैंसिलेशन जो है वो हमने थ्रेड कैंसिलेशन का टास्क परफॉर्म किया। अ थ्रेड दैट इज़ टू बी ए कैंसल्ड इज ऑफन रेफर टू एज द टारगेट थ्रेड। तो टारगेट थ्रेड इट्स मीन के जब हम किसी हमने टर्म टारगेट थ्रेड को यूज़ किया है, टारगेट थ्रेड से क्या मतलब है, थ्रेड विच इज़ टू बी ए कैंसल, यानी कि वो थ्रेड जिसको आपने कैंसिल करना है।
देखते हैं हम डिफरेंट जो है थ्रेड कैंसिलेशन, डिफरेंट टाइप की थ्रेड कैंसिलेशन है, और वो क्या सिनेरियो है जिनमें जो है थ्रेड कैंसिलेशन जो है वो होनी चाहिए, किस टाइप की, और इनमें से इन थ्रेड कैंसिलेशन में से कौन सी बेटर है और कौन सी जो है वो प्रोवाइड करती है स्टेबल कंप्यूटेशन। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें थ्रेड कैंसिलेशन होती है, तो हम अब देखेंगे कि थ्रेड कैंसिलेशन की कौन कौन सी जो है कौन कौन से सिनेरियो। कैंसिलेशन ऑफ टारगेट थ्रेड में अकर इन टू डिफरेंट सिनेरियो, इट्स मीन के दो सिनेरियो हैं जिसमें थ्रेड कैंसिलेशन होती है। फर्स्ट वन इज़ एसिंक्रोनस कैंसिलेशन, वन थ्रेड इमीजिएटली टर्मिनेट द टारगेट थ्रेड। ये बड़ी स्ट्रेट और डायरेक्ट है, इसमें क्या होता है कि एक थ्रेड जो है वो इमीजिएटली जो है फ़ौरन उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है टारगेट थ्रेड को। टारगेट थ्रेड मीन विद द थ्रेड विच विल बी अ कैंसल्ड। तो व्हाट इज़ टारगेट थ्रेड, ये तो हम देख चुके हैं। तो एन अदर थ्रेड जो है इज़ गोइंग टू इमीजिएटली टर्मिनेट द दैट थ्रेड, इट्स मीन कि जो टारगेट थ्रेड है उसको कोई दूसरा थ्रेड जो है वो कैंसिल कर रहा है। सो दिस टारगेट थ्रेड जो है उसको हम कहेंगे, टारगेट थ्रेड को हम विक्टम थ्रेड भी कह सकते हैं। और वो विक्टम थ्रेड जो होगा उसके पास कोई पावर नहीं है कि जब कोई दूसरा थ्रेड जो है वो उसको कैंसिल करे, तो उसके पास कोई और चॉइस है ही नहीं सवाए कैंसिलेशन के। सो दैट इज़ मीन बाय एसिंक्रोनस कैंसिलेशन, यानी कि विक्टम थ्रेड जो है उसके पास अगर कोई दूसरा थ्रेड उस थ्रेड को कैंसिल कर रहा है, तो विक्टम थ्रेड या टारगेट थ्रेड के पास कोई चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, या पावर ही नहीं है कि वो सवाए कैंसिलेशन के कुछ और जो है वो परफॉर्म कर सके। सो दैट इज़ एसिंक्रोनस कैंसिलेशन। डेफर्ड कैंसिलेशन, द टारगेट थ्रेड पीरियोडिकली चेक वेदर इट शुड टर्मिनेट, अलाउइंग इट एन अपॉर्चुनिटी टू टर्मिनेट इट सेल्फ इन ऑर्डनरली फैशन। जिस तरह जैसे कि इस एसिंक्रोनस कैंसिलेशन थी जहाँ पे टारगेट थ्रेड जो था वो इमीजिएटली कैंसिल हो जाता था किसी दूसरे थ्रेड से, पर लेकिन इन डेफर्ड कैंसिलेशन में क्या हो रहा है कि टारगेट थ्रेड पीरियोडिकली चेक वेदर इट शुड टर्मिनेट और नॉट। सो कोई दूसरा जो आके उसको फौरन इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं कर सकता विदाउट उसकी परमिशन के, विदाउट इट्स परमिशन। सो टारगेट थ्रेड जो है वो पीरियोडिकली चेक करेगा वेदर इट शुड टर्मिनेट, यानी कि चेक करेगी अपनी कंडीशन को कि उसको टर्मिनेट होना चाहिए या नहीं। हंस अलाउइंग इट अपॉर्चुनिटी, इट्स मीन के अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू टर्मिनेट इट सेल्फ इन ऑर्डरली फैशन। इसका क्या मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि इस थ्रेड के पास हैज सम पावर के इट कैन नॉट बी ए कैंसल बाई एन अदर थ्रेड, बाई इट विल कैंसल इट सेल्फ, यानी कि वो खुद अपने आप को कैंसिल कर सकता है। और किस तरह करेगा, इन ऑर्डनरली फैशन मेकिंग श्योर ये कर लेगा कि ये अब कैंसिल हो सकता है, यानी कि वो सिचुएशन और कंडीशन को देख के वो कैंसिल होगा। दैट इज़ मीन बाय डेफर्ड कैंसिलेशन, इट्स मीन दैट इज़ नॉट गोइंग टू कैंसिल इमीजिएटली, सो इट हैज़ पावर, और उसके बाद जो है वो चेक करने के बाद उसके बाद अपने आप को जो है वो कैंसिल करेगा। नो क्वेश्चन जो है वो जो अराइज होता है उसको हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन। डिफ़िकल्टी कौन कौन सी हैं कैंसिलेशन के साथ, कौन कौन सी सिचुएशन है इसको हम देखते हैं। थ्रेड कैंसिलेशन जिस तरह के हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और हम डिफरेंट सिनेरियो हमने देखा जिसमें थ्रेड कैंसिलेशन होती है, बट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि डिफ़िकल्टी क्या है थ्रेड कैंसिलेशन की, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है जब हम थ्रेड कैंसिलेशन के अंदर फेस करते हैं। तो हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सी सिचुएशन है जिनके अंदर जो है ये हमारे पास डिफ़िकल्टी लाइज होती है थ्रेड कैंसिलेशन की। वेयर रिसोर्सेज हैव बीन एलोकेटेड टू अ कैंसिल थ्रेड, द सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज हैज़ बीन एलोकेटेड टू अ थ्रेड, इसका मतलब है कि थ्रेड जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन है। और आपको पता है कि जब थ्रेड या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनको चंद रिसोर्सेज, सर्टेन रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं सिस्टम की तरफ से, सिस्टम के, बिकॉज थ्रेड जो है उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जो रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड होते हैं वो थ्रेड को एलोकेट किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि थ्रेड जो है वो होल्डिंग सम रिसोर्सेज, अगर उसको कैंसिल होने जा रहा है तो इट्स मीन कि उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं
और उसको आप कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको हम देखते हैं। पहले हम देखें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, व्हेन अ थ्रेड इज़ कैंसल्ड वाइल इन द मिडस्ट ऑफ अपडेटिंग डाटा इट इज़ शेयरिंग विद अदर थ्रेड्स, तो अगेन प्रॉब्लम जो है वो सीरियस, या आप कह सकते हैं कि डाटा जो है, देयर मे बी अ डाटा दैट इज़ शेयरिंग अमॉन्ग द थ्रेड, सो डिफरेंट थ्रेड आर राइटिंग और अपडेटिंग इन द शेयर रीजन। आपको पता है कि एक प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं, और तमाम के तमाम थ्रेड्स जो हैं वो कोई शेयर रीजन होगा जिसके अंदर वो अपना डाटा राइट और अपडेट कर रहे होंगे। तो जब एक थ्रेड जो है वो शेयर डाटा जो है उसको अपडेट कर रहा है और आप उसको कैंसिल कर देते हैं मिड ऑफ अपडेटिंग या डाटा, यानी कि अभी उसने अपडेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया और आपने उसको जो है कैंसिल कर दिया, तो प्रॉब्लम जो है वो क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है अपडेटिंग समथिंग और आपने उसको कैंसिल कर दिया तो अपडेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, सो इट बिकम इनकम्प्लीट डाटा हो सकता है वहाँ पे, अगर आप वो उसको मिड ऑफ द प्रोसेस जो है अपडेटिंग के प्रोसेस के अंदर आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो इट्स मीन कि इनकम्प्लीट डाटा है। सो जब दूसरे थ्रेड जो है उस डाटा को एक्सेस करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट डाटा मिलेगा। सो दैट इज़ सिचुएशन जहाँ पर डिफ़िकल्टी लाइज करती है थ्रेड कैंसिलेशन के। नाउ अगर हम अपने पहले पॉइंट की तरफ देखें कि पहले पॉइंट में क्या था कि रिसोर्सेज जो हैं वो आप एलोकेट कर देते हैं कैंसिल थ्रेड को, और क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि रिसोर्सेज जो आपने एलोकेट किए हुए हैं उस थ्रेड को, तो ऑफन OS will reclaim the system resources from a cancel thread, but will not reclaim the all threads. इसका मतलब है कि जब आप resources allocate हुए हैं और वो thread cancel हो रहा है, तो by default जो है operating system खुद ही जो है resources जो है cancel thread से जो है वो जो है claim कर लेते हैं, वापस जो है वो back जो है उनको हासिल कर लेता है operating system। बट तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्लेम नहीं हो सकते होते, तो तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्लेम नहीं हो सकते। देयरफॉर अ कैंसलिंग अ थ्रेड एसिंक्रोनसली मे नॉट फ्री अ नेसेसरी सिस्टम वाइड रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि हम जैसे हमने एसिंक्रोनस कैंसलेशन देखी थी जिसमें एक थ्रेड जो है वो इमीडिएटली कैंसिल हो जाता है, जिस दो टाइप्स की हमने जो सिनेरियो देखे थे कैंसिलेशन के, ऑन द अदर हैंड जो है और जो दूसरे थ्रेड हैं फर यानी कि दूसरे थ्रेड जो है एसिंक्रोनस के अंदर दूसरे जो थ्रेड हैं उन्होंने टारगेट थ्रेड को जो है वो कैंसिल कर दिया और जो है फौरन कैंसिल हो गया, और टारगेट थ्रेड जो है उसके पास चंद एक सिस्टम वाइड रिसोर्सेज वो होल्ड कर रहा था। ओनली थ्रेड जब कंप्लीट करता है उसकी एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होती है तो वो होल्डिंग रिसोर्सेज को जो है वो रिलीज़ करता है, बट यहाँ पे क्या है कि हम उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले ही जो है उसको कैंसिल कर रहे हैं और उसने स्टिल जो है रिसोर्सेज होल्ड किए हैं, और इट गेट एसिंक्रोनस कैंसिल, और उसको कैंसिल भी किस तरह किया है, एसिंक्रोनसी कैंसिल किया है, डेफर्ड कैंसिलेशन की बात नहीं हो रही, एसिंक्रोनस की बात हो रही है, यानी कि थ्रेड को आप एसिंक्रोनसली कैंसिल कर रहे हैं। एसिंक्रोनसली का मीन इमीडिएटली कोई दूसरा थ्रेड उसको कैंसिल कर रहा है और उसके पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो जो है रेजिस्ट कर सके, या उसके पास पावर ही नहीं है इट में, और वो कैंसिल हो गया, और इसका मतलब है कि उसने कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो रिलीज़ ही नहीं किए, और जो रिसोर्सेज रिलीज़ नहीं हुए दैट बिकम अनअवेलेबल, दैट इज़ द प्रॉब्लम। कुछ रिसोर्सेज तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्लेम कर दिए लेकिन तमाम के तमाम सिस्टम तमाम के तमाम रिसोर्सेज रिक्लेम भी नहीं होते, तो जो सिस्टम जो थ्रेड एसिंक्रोनसली आप कैंसिल कर रहे हैं तो उस हो सकता है उसके चंद रिसोर्सेज जो हैं वो रिलीज़ ना हुए हों और वो जो है आप बिकम अनअवेलेबल, सो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम जो कि एसिंक्रोनस कैंसिलेशन में मौजूद है जब आप एसिंक्रोनस कर रहे हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिक्लेम तो कर लेता है रिसोर्सेज कैंसिल थ्रेड से, लेकिन सम सिचुएशन ऐसी होती है कि वो इट मे नॉट बी एबल ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू दिस, सो इन दैट केसेस एसिंक्रोनस कैंसिलेशन को हम कह सकते हैं दैट इज़ नॉट गुड,
और एक और टेक्निक है हमारे पास जो कि अभी हम देख चुके हैं देख चुके हैं, दैट इज़ डेफर्ड कैंसिलेशन। ये सिंक्रोनस के अंदर तो हमें प्रॉब्लम का पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम थी। तो अब डेफर्ड कैंसिलेशन के अंदर देखते हैं कि वन थ्रेड इंडिकेट दैट अ टारगेट थ्रेड इज़ टू बी ए कम्प्लीटेड टू बी ए कैंसल्ड, बट कैंसिलेशन अकर ओनली आफ्टर द टारगेट थ्रेड हैज़ चेक अ फ्लैग टू डिटरमिन वेदर और नॉट इट शुड बी अ कैंसल्ड। दिस अलाउ अ थ्रेड टू चेक वेदर इट शुड बी अ कैंसल एट अ पॉइंट वैन इट कैन बी सेफली कैंसल। ये जो है बेहतर और सेफर है वे है किसी भी थ्रेड को कैंसिल करने के लिए फ्रॉम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कैंसिलेशन की निस्बत। ये इसके बजाय कि हम डायरेक्टली जाके जो है उसको कैंसिल कर लें और वो थ्रेड जो है इमीडिएटली कैंसिल हो रहा है, जैसा कि हमने एसिंक्रोनस में देखा। डेफर्ड कैंसिलेशन में क्या होता है कि टारगेट थ्रेड जो है कैंसिल हैज़ टू बी कैंसिल, द थ्रेड इज़ गोइंग टू बी कैंसिल, दैट थ्रेड इंडिकेट दैट द थ्रेड इज़ टू बी ए कैंसिल। तो क्या होगा, विल दैट थ्रेड कैंसिल इमीडिएटली? नहीं, डेफर्ड कैंसिलेशन के अंदर जो है इमीडिएटली नहीं, ओनली आफ्टर टारगेट थ्रेड जो है वो चेक करेगा इट्स सेल्फ, खुद चेक करेगा इट्स सेल्फ। क्या चेक करेगा? डिटरमिन करेगा कि वो इस पोजीशन में है कि वो कैंसिल हो जाए, यानी कि वो चेक करेगा, और दैट इज़ फ्लैग जिसके ज़रिए वो जो है उसको चेक कर रहा है। तो इफ़ इट इज़ होल्डिंग सम वाइड सिस्टम वाइड रिसोर्सेज और वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, थ्रेड खुद अपने आप को चेक कर रहा है और वो सेफ नहीं है, अगर वो सेफ होता है तो वो जो है वो सेफ पोजीशन नहीं होगी कैंसिलेशन के लिए, देन वो अपने आप को कैंसिल नहीं करेगा। इट्स मीन कि थ्रेड के पास जो है वो पावर है डेफर्ड कैंसिलेशन के अंदर, डेफर्ड हैज़ सम पावर, और वो उस सूरत में कैंसिल होगा। इट शुड बी ए कैंसल एट ए पॉइंट व्हेन इट केस कैन बी अ सेफ कैंसल सेफली, यानी कि इट विल कैंसल ओनली द पॉइंट जब वो सेफ हो तब वो कैंसिल होगा। सो दैट इज़ बेटर वे ऑफ थ्रेड कैंसिलेशन। तो ये वो इशू थे जो थ्रेड कैंसिलेशन में थे, टू सिनेरियो थे जिसमें हमने थ्रेड को देखा। तो जो मोस्ट ऑफ थ्रेड कैंसिलेशन में प्रॉब्लम जो है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है थ्रेड कैंसिलेशन में जो है वो सॉल्व हो गई किस उसमें डेफर्ड कैंसिलेशन के सिनेरियो के अंदर जो है दैट इज़ सॉल्व, जो थ्रेड कैंसिलेशन से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स थी जी। अब जो है पी थ्रेड जो है इन पी थ्रेड थ्रेड कैंसिलेशन इनिशिएटेड यूजिंग अ पी थ्रेड कैंसिल फंक्शन, द आइडेंटिफायर ऑफ द टारगेट थ्रेड इज पास्ड एज ए पैरामीटर टू द फंक्शन। ये फंक्शन है जो कि पी थ्रेड के अंदर यूज होता है किसको कैंसिल करने के लिए, पी थ्रेड कैंसिल थ्रेड को कैंसिल करने के लिए, और इसमें ये थ्रेड आईडी जो है ये एज ए पैरामीटर पास होता है। जिस थ्रेड को कैंसिल करना हो उसको आईडी जो है वो इस फंक्शन के अंदर हम पास ऑन करेंगे। जब ये फंक्शन के अंदर जो है जो थ्रेड आईडी को हमने पास किया है, इट्स मीन के वो थ्रेड जो है दैट विल बी अ कैंसल, तो दैट इज़ पी थ्रेड है। इनवोकिंग अ पी थ्रेड कैंसिल इंडिकेटिंग ओनली अ रिक्वेस्ट टू कैंसिल द टारगेट थ्रेड, इट्स मीन के सिर्फ वो थ्रेड कैंसिल होगा जिसका आपने थ्रेड आईडी पास किया होगा, बट एक्चुअली कैंसिलेशन डिपेंड ऑन हाउ द टारगेट थ्रेड इज सेट अप टू हैंडल द रिक्वेस्ट, बट डिपेंड करता है कि आपने सेट किस तरह किया है कि उसको वो हैंडल किस तरह करे कैंसिलेशन को। तो कैंसिलेशन को पी थ्रेड जो है वो तीन तरीकों से हैंडल करता है, जो कि तीन डिफरेंट मेथड्स हैं मोड्स हैं जिनके ज़रिए जो है थ्रेड कैंसिलेशन जो है वो हैंडल करता है। फर्स्ट वन इज़ ए मोड स्टेटस एंड टाइप। तो अगर मोड ऑफ होगा तो स्टेटस इसका मतलब है डिसेबल है और कोई भी कैंसिलेशन नहीं है। पी थ्रेड जो है अगर अनेबल और डिसेबल, दैट विल बी अनेबल और डिसेबल, यानी कि ऑन और ऑफ। ऑब्वियसली थ्रेड कैन नॉट बी अ कैंसल इफ़ कैंसिलेशन इज़ डिसेबल, अगर ये डिसेबल है तो इसका मतलब है कि थ्रेड कैंसिल नहीं हो सकता। तो कैंसिलेशन जो है वो पेंडिंग है, थ्रेड जो है अगर लेटर जो है वो अनेबल हो जाता है ये ऑप्शन, तो रिस्पॉन्ड करेगा उस कैंसिलेशन के अगेंस्ट जो रिक्वेस्ट आई होगी। तो इट्स मीन कि ये जो फर्स्ट मेथड है इसमें ऑन ऑफ एबल और डिसेबल पे डिपेंड कर रहा है,
कि आप जो है कैंसिलेशन होनी है या नहीं होनी। डेफर्ड अगर मोड है तो इसका मतलब है कि अनेबल है, और अनेबल होने की सूरत में जो है वो टाइप जो है वो डेफर्ड कैंसिलेशन की है। इसी तरह अगर एसिंक्रोनस मोड है, अगर अनेबल है तो थ्रेड जो है वो एसिंक्रोनसली कैंसिल होगा। डेफर्ड और एसिंक्रोनस को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये पी थ्रेड है इसमें कैंसिलेशन की टाइप डेफर्ड कैंसिलेशन है। इसका मतलब है कैंसिलेशन जब होगी, हेयर द डिफ़ॉल्ट कैंसिलेशन टाइप इज़ डेफर्ड कैंसिलेशन, हेयर आ कैंसिलेशन अकर्स ओनली व्हेन थ्रेड रीचेस अ कैंसिलेशन पॉइंट एंड एस्टेब्लिशिंग अ कैंसिलेशन पॉइंट इज़ टू इन्वोक द पी थ्रेड टेस्टिंग फंक्शन। तो इसका मतलब है कि कैंसिलेशन जो है वो यहाँ पर डेफर्ड होगी, तो वो उस सूरत में थ्रेड कैंसिल होगा जब वो सेफ से उस पॉइंट पे जो है सेफ पॉइंट में अगर वो पहुंच गया है देन इट विल बी अ कैंसिल, अदरवाइज वो अपना जो है टास्क विल कंटिन्यू अनटिल के वो सेफ पॉइंट पे ना पहुंच जाए, जैसा कि अभी हमने पीछे डेफर्ड कैंसिलेशन के अंदर उसको पढ़ा भी था। और वो ये जो पी थ्रेड के अंदर ये एक फंक्शन है जिस जो है पी थ्रेड टेस्ट कैंसिल के नाम से फंक्शन है, जो कि बेसिकली चेक करेगा कि वो कैंसिलेशन पॉइंट आ गया या नहीं। तो थ्रू दैट फंक्शन दैट विल बी अ चेक द स्टेटस द कैंसिलेशन पॉइंट इज रीचेस और नॉट। इफ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फंक्शन नोन एज क्लीन हैंडलर इज इन्वोक्ड। अगर कैंसिलेशन जो है वो उसकी टाइप डेफर्ड कैंसिलेशन है, इसका मतलब है कि जो है वो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग भी हो सकती है। पेंडिंग इस सूरत में हो सकती है कि थ्रेड जो था वो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में था या उसने रिसोर्सेज होल्ड किए हुए थे और वो उसको चेक भी कर रहा है, और क्या किसके थ्रू चेक कर रहा है, पी थ्रेड टेस्ट कैंसिलेशन फंक्शन के थ्रू चेक कर रहा है, और उसका अभी तक वो स्टेटस नहीं आया कि वो कैंसिल करे। तो वो अगर जो रिक्वेस्ट थी वो पेंडिंग थी कैंसिलेशन की, तो फंक्शन जो है वो क्लीन अप हैंडलर जो वो इन्वोक होगा और उस रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफिल करेगा और कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जो है वो फर्दर प्रोसीड होगी। और अगर जो है ये फंक्शन जब इन्वोक होगा, तो अगर हैंडलर थ्रेड ने कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो अक्योर्ड किए होंगे या उसके पास अभी स्टिल होल्डिंग होंगे रिसोर्सेज जो जो थ्रेड जिसने कैंसिल होना है, तो दैट विल बी अ रिलीज आफ्टर इन्वोकिंग अ क्लीनर हैंडलर फंक्शन, और उस और वो थ्रेड जो है उसके बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो दैट इज़ द डेफर्ड कैंसिलेशन मोड, और ये जो है हम एग्जांपल जो थी पी थ्रेड कैंसिलेशन के अंदर हम इसको स्टडी कर रहे थे। तो सर दैट इज़ द थ्रेड कैंसिलेशन जो था टॉपिक उसको हमने स्टडी